कानपुर के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने सभी अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स व कर्मचारियों को संबोधित किया। जुड़े रहिए दैनिक जनमन न्यूज से, ब्यूरो चीफ करण शर्मा की खास रिपोर्ट। आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। उपस्थित समस्त कर्मचारीगण, चाहे आउटसोर्स की हो चाहे परमानेंट हो, मेरी प्यारी बहने, चाहे सिस्टर हो, स्टाफ हो, नर्स हो या हमारी कर्मचारीगण, समस्त डॉक्टर, SIC महोदय, CMS, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, समय कम है। आज इतने वर्षों के बाद पहली बार हुआ है कि ध्वजारोहण थोड़ा डिले हुआ है और गर्मी बहुत है, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं। लेकिन राष्ट्र विकास, हम लोग एक राष्ट्र विकास का ही अंग है। विकास के दो पहलू हैं, एक बाहरी विकास, एक आंतरिक विकास। जब तक आंतरिक विकास हम नहीं करेंगे तब तक बाहर के विकास का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए कुछ दो तीन सालों में हमने देखा है बहुत तेजी से हम लोग का नाम आ रहा है आगे। आपको कल की एक घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ MBBS के एक छात्र है जिसको ICMR से फेलोशिप स्वीकृत हुई है। ICMR से अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग तो नहीं होती।